जी का स्वागत है, अखिलेश जी का स्वागत है, अखिलेश जी का स्वागत है, बहू की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश जी का स्वागत है, अभिनंदन है, अखिलेश जी का स्वागत है, अभिनंदन है, अखिलेश जी का स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बनकर की नगरी स्वागत है, बनकरों की नगरी पे स्वागत है, अपने नेता का स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बल जवानों जिंदाबाद। इधर आपने देखा होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। बताओ, छड़ी ने और साइकिल ने उनकी गर्मी निकाल दी कि नहीं निकाल दी? और मुझे तो ये लग रहा है कि मऊ के लोगों ने तैयारी कर ली है भाप निकालने की। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये बहुत स्मार्टफोन लिए हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ये स्मार्टफोन कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? बाबा जी तो कह रहे हैं उन्होंने 2 करोड़ बांट दिए। उन्होंने कहा 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए, लैपटॉप मिला आपको लैपटॉप, तो बाबा जी किसको देते रहे लैपटॉप? और आपको इसलिए नहीं दिया गया, आपको लैपटॉप इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा जी लैपटॉप चला पाते हैं? और अभी उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने, जहां पर वो अपने आप को खड़ा किया हुआ है, खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। वो तस्वीर देखी कि नहीं देखी? उसको देखने के बाद पता लगा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और आपने उनके बड़े नेताओं का भी सुन लिया होगा, जब से उन्होंने लैपटॉप के लिए कहा है जनता लोटपोट हो जा रही है। उनके बड़े नेता जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे और पता नहीं पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि जब इंटर कर लोगे और 12वीं में पढ़ने जाओगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा, इसीलिए आपको लैपटॉप नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंटर के बाद कोई 12वीं में पढ़ने नहीं जाता। परिवार वाले अपनी एक सलाह देना चाहते हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी। हम परिवार वाले उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं। हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं बच्चों के बीच में तो कुछ न कुछ सामान और मिठाई लेकर के जाते हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जब वो गोरखपुर जाए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया इन्होंने कि नहीं सताया? निवेदन के साथ कि पूर्वांचल के लोगों, 6 चरण में हम लोगों ने सरकार बनाने से ज्यादा जीत चुके हैं। 7वें चरण का चुनाव
ये यहाँ हमारे धरती पर हो रहा है, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, एक एक कोट सुन करके छड़ी और साइकिल वाली बटन दबा करके ये बता देना, ए मोदी योगी तुझे हम लोग, तुझे तो एक को गोरखपुर पहुंचाऊंगा, अमित शाह और मोदी जी तुझे गुजरात न भेज दिया, कौशल अपने माँ बाप का पैदा नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हें घमंड था तो तेरा घमंड चकना चूर कर दूंगा। बार बार हमारे अमित शाह जी, हमारे योगी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, आप नाम लेते हो मुख्तार अंसारी का, आप नाम लेते हो वतीक अहमद का, अगर मर्द हो तो ब्रिजेश सिंह का भी नाम लेके बताओ कि वो भी माफिया है, उसका भी नाम क्यों नहीं लेते। अगर मर्द हो तो मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो जिस तरह, उसी तरह ब्रिजेश सिंह का नाम लेके बताओ कि वो भी मेरी पार्टी में वो MLC है, इसको जनता को क्यों नहीं बताते हो, इसको भी बताने का काम करो। अब बहुत हो गया तेरा पाठ, अब इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता बहुत पढ़ा चुका तुम लोगों ने पाठ 16 दुनियात, अब हम लोग मिलकर पढ़ाएंगे पाठ 16 दुनी 32, 16 दुनी 32, बोला हो कि न हो, कितना जने के हो हाथ उठावा। तो साथी बहुत कुछ न कहते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। और आखिरी बात, आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, अब अपने ऊपर जुल्म जाती है और का बदला लेना है तो आने वाले दिनों में साथियों साइकिल और छड़ी वाली बटन दबा के चारों सीट यहाँ से जीता करके लखनऊ भेजो। उसके इसी अपील के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत, खुदा हाफिज, जय समाजवादी।